मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जिला छोटा, क्राइम बड़े बड़े, घटना बड़े बड़े, और रोड तो कहें कुछ भी तो दावे बड़े बड़े रोड को लेकर के कि हमने रोड बनवाया, स्ट्रीट लाइट लगवाई, लेकिन मिनी स्मार्ट प्रोजेक्ट जो सीधी को मिला अभी तक वो मिनी भी, मिनी का मतलब आप जानते हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट, लेकिन सीधी अभी थोड़ा सा भी स्मार्ट नहीं बन पाया है। थोड़ा सा स्मार्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा होशियार, तो अभी सीधी होशियार भी नहीं बना है। कहाँ देखा जा रहा है कि न्यू बस स्टैंड अभी तक बनकर कंप्लीट नहीं हुआ और ना ही वहां पर अभी बस खड़ी हो रही, जिसके चलते बस स्टैंड में भी लगातार जाम बना रहता है। बस स्टैंड के रोडों पर जब बस खड़ी हो जाती है तो आम जनता को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गोपाल दास रोड पर भी सूखा जो पुल है, अभी तक नए पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जो लगभग सालों से पुल का निर्माण हो रहा, लेकिन देखा ये जा रहा कि निर्माण तो हो रहा लेकिन कब तक होगा इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि साल भर से जो पुल बनती हो तो सोचिए कि एक जो कि लगभग 3 पावा की जो पुल खड़ी ना हो पा रही हो तो सोचिए कि आगे ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहा या कार्य करवा रहा। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसी जहां की पुरानी पुल पर इस टाइम पर पानी भरा हुआ रहता है, दुर्घटना कहीं ना कहीं हो सकता है, ये संभावना बन रही, लेकिन अभी तक इस पर किसी की भी नजर नहीं जा रही। दूसरी तरफ ले चलेंगे आपको कि रोडों की जो हालत देखने को मिलेगी, जिला चिकित्सालय से कलेक्ट्रेट रोड पर जहां देखा जाता है कि सूखा पुल वहां पर भी उपलब्ध है, जहां 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक कार हादसा उस पुल से हुआ था, जो कि कार नीचे जाते जाते बच गई थी, जो कि रेलिंग से टकरा करके रेलिंग को तोड़ते हुए आधी कार रोड में तो आधी रोड की बाहर लटक रही थी। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वहीं से आते जाते कलेक्टर, कलेक्ट्रेट में बड़े बड़े अधिकारी या नगर पालिका कर्मचारी या नगर पालिका अधिकारी या जिला अध्यक्ष सब वहीं से गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजरें बिल्कुल नहीं पड़ती, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसको लेकर के उनके मन में थोड़ा सा भी नहीं आता जिसको रेलिंग की मरम्मत करवा ली जाए। जहां की कुछ लोगों के द्वारा भी ये कहना है कि अगर रेलिंग ये नहीं बनती तो आए दिन ऐसा मामला फिर बनेगा कि कार तो लटक गई थी, इस बार कार सूखे नाले में ही जा गिरेगी और अगली बार कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के जिला में कहीं ना कहीं कोई कार्यवाही होगी इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ देखा जाता है कि जिले के बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी उसी रूट से गुजरते हैं, उसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन किसी की उस पुल पर नजर नहीं पड़ रही। जो भी व्यक्ति गुजरता है कार में लिए मोबाइल और मोबाइल की तरफ ही नजरें घुमाते, रोड की तरफ ध्यान ही नहीं देता। वहीं से कलेक्टर, वहीं से नगर पालिका जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वहीं से नगर पालिका के CMO, यानी कि सभी वहीं से गुजर रहे, और रोड नगर पालिका से, जो कि नगर पालिका के लगभग करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये पुल का ये मामला देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी नगर पालिका उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रही और ना ही कलेक्टर की वहां तक नजरें पड़ पा रही हैं। लगातार ऐसी खास खबरों के साथ बने रहे TAN24 न्यूज पर। अब देखना यह होगा कि क्या खबरों का कुछ असर होता है या कान में जू तक नहीं रेखती, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।